नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्रा और आज हम जानेंगे सालिग्रामास के बारे में। क्या होते हैं ये सालिग्रामास? सालिग्रामास फॉसिलाइज्ड शेल्स होते हैं जो 400 से 6 मिलियन ईयर्स तक पुराने हो सकते हैं और ये बिल्कुल भी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होते हैं। हिंदू धर्म में इनके आकार के ऊपर निर्धारित भगवानों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए हम इन्हें देखते हैं और जानते हैं इनके बारे में। हमारे पास चार तरह के बहुत ही सुंदर और आसानी से ना मिलने वाले सालिग्रामा मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सुदर्शन सालिग्रामा के बारे में। कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र के वजह से इसे ये नाम सुदर्शन दिया गया है। इसका आकार सुदर्शन चक्र के रूप में ही है। नेक्स्ट हमारे पास है श्वेत शिवलिंग सालिग्रामा। श्वेत मतलब सफेद या वाइट रंग का। आमतौर पर सालिग्रामा काले रंग के होते हैं। इस सालिग्राम की विशेषता ये है कि ये बाहर से एक गोली के आकार में नजर आने वाला सालिग्राम अंदर से शिवलिंग के आकार में बना हुआ नजर आता है और ये संभव होने का कारण है एक बहुत ही प्राचीन कृमि कीट जिसने ये छोटे से छेद के अंदर जगह बनाते हुए अंदर एक सुंदर शिवलिंग का आकार बनाया। एक शिवलिंग कर्म ही धर्मा या वर्क इज वर्शिप इस फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास है श्वेत नरसिंह सालिग्रामा। इसे ये नाम दिया गया है विष्णु भगवान के चौथे अवतार यानी कि नरसिंह अवतार के कारण। माना जाता है कि विष्णु भगवान धरती पर धर्म और रक्षा के लिए आधे मानव और आधे सिंह के रूप में अवतरित हुए थे। इस सालिग्राम पर नजर आते हुए दांतों का आकार नरसिंह अवतार के शस्त्रों में से एक शस्त्र माना जाता है जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया गया है। ये है स्फटिक शंख सालिग्राम जो शंख के आकार में ही नजर आता है। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।